हेलो एवरीवन, दिस इज श्याम चौधरी। वेलकम बैक टू श्याम चौधरी ब्लॉग्स। सो गाइस, फुल नोटिफिकेशन जो है आ चुका है जिपमर का, एंड ये पीडीएफ जो है मैं आपको दिखा दूंगा। फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर जो है प्रोवाइड की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो है स्टाफ नर्सेज की वैकेंसी है एज ए नर्सिंग ऑफिसर। एंड ये जो है वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है, 433 पोस्ट की जो है वैकेंसी निकली है सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट जो है जिपमर। सो चलिए सारे क्राइटेरियाज हम देखते हैं क्या क्या नेसेसरी है अप्लाई करने के लिए। एंड उससे पहले अगर नहीं है तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। सो गाइस देखिए, ये कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफिशियल आवर में। एंड ये देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स देखें, जो कि 7 तारीख से अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, एंड अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है 1 दिसंबर 2022 है। हॉल टिकट जो है आपका 10 दिसंबर को आ जाएगा, एंड एग्ज़ाम जो है 18 दिसंबर को है। एंड द स्किल टेस्ट शेड्यूल विल बी अनाउंसड लेटर। सो एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद रिटर्न टेस्ट इसका जो है स्किल टेस्ट के लिए इन्फॉर्म किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में। एंड ये देखिए, ये है मेन नोटिफिकेशन, जो कि 433 जो वैकेंसीज निकले हैं, एंड कैटेगरी वाइज जो ही रिजर्व रहेगा ये सारे पोस्ट। यू आर के लिए 175, एंड ई डब्ल्यू एस के लिए 43, ओबीसी के लिए 116, एससी के लिए 66, एंड एससी के लिए जो है 33 पोस्ट यहाँ पर निकले गए हैं। एंड यहाँ पर रिजर्वेशन रहेगा 80% फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, एंड 20% जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है रिजर्व रहेगा। एंड अलग से जो है 23 पोस्ट पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेगा। एंड क्वालिफिकेशन अगर हम देखेंगे यहाँ पर देख लिए, बीएससी एंड पोस्ट बीएससी कैंडिडेट्स को जो है एक्सपीरियंस की जो है आवश्यकता नहीं है, एंड मैंडेटरी नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जीएनएम कैंडिडेट हैं तो फिर 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस जो है मैंडेटरी है इन ए 50-बेडेड हॉस्पिटल। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है अप्लाई करने के दौरान आपको सबमिट करना पड़ेगा, अपलोड करना होगा। एंड बेसिक पे जो है आपकी रहेगा 44,900 रुपीज़, एंड मिनिमम एज 18 ईयर्स रहेगा, एंड मैक्सिमम एज जो है 35 ईयर्स तक कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। एंड ये जो है सीबीटी में एग्ज़ाम किया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। सिलेबस अगर देखेंगे नर्सिंग सिलेबस से 70% जो है क्वेश्चन आएंगे, एंड ऑल द जो जनरल नॉलेज इंटेलिजेंस टेस्ट एंड जनरल इंग्लिश जनरल मैथमेटिक्स जो है 30 मार्क्स आएंगे। एंड आपको 1.5 आवर मिलेगा 100 क्वेश्चंस अटेंड करने के लिए। एंड मिनिमम जो है परसेंटेज है क्वालिफाई करने के लिए, यू आर ई डब्ल्यू एस के लिए 50, यू आर ई डब्ल्यू एस पी डब्ल्यू बी डी है तो 45, एस सी एस टी एंड ओ बी सी के लिए 40 मार्क्स रहेगा। स्किल टेस्ट में जो है सबको 50% लाना कंपलसरी है, नाउ डिसक्वालीफाई जो है कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पर देखो एज रिलैक्सेशन जो कि कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, एस सी एस टी के लिए 5 ईयर्स, ओ बी सी के लिए 3 ईयर्स, एंड अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई है तो जो कि 3 ईयर्स की रेगुलर सर्विस रेंडर कर चुके हैं उनके लिए डिफरेंट कैटेगरी वाइज जो है एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। एंड नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल फॉर एस सी ओ बी सी एंड एस टी कैंडिडेट्स दोज आर अप्लाइंग फॉर अंडर यूआर कैटेगरी। सो अगर आप कोई दूसरे कैटेगरी में है लेकिन यूआर कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो फिर आपको जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। कैसे अप्लाई करना है आपको, ये देखिए ऑनलाइन जो है इसका अप्लाई मोड है, एंड यहाँ पर एक वेबसाइट दिया गया है www.jipmer.edu.in। वहाँ पर जाकर आपको होम पेज में एक लिंक मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर नवंबर 2022। उस लिंक को क्लिक करते ही जो है आपका एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद जो है आपको अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसका जो है एप्लीकेशन फीस देखिए, यू आर ई डब्ल्यू एस कैंड के लिए 1500 रुपीज़ प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस रहेगा, ओ बी सी के लिए 1500 सेम, एंड एस सी एस टी के लिए जो है 1200, एंड पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फीस। उन्हें कोई एप्लीकेशन फीस देने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली जो है अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो है आप फ़ोटो अपलोड करेंगे वो मिनिमम जो है 10 KB का होना चाहिए, एंड मैक्सिमम जो है 8 KB का होना चाहिए, एंड रेजोल्यूशन भी यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका जो बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए,
मल्टीपल कलर्स का जो है नहीं होना चाहिए, एकदम लाइट कलर का रहना चाहिए। सो अप्लाई करने से पहले ये सारे जो है क्राइटेरिया सब रीड कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर जो है डिफरेंट साइज़ दिए गए हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ के लिए 30 mm विड्थ, 45 mm हाइट जो रहना चाहिए एंड 10 kb से 8 kb से तक जो है साइज़ रहना चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का। एंड सिग्नेचर भी सेम क्राइटेरिया है, 10 kb मिनिमम रहना चाहिए, 8 kb जो है मैक्सिमम रिजर्वेशन रहना चाहिए। एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है देख लीजिए। कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका है, अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपका जो भी बिलोंग करते हैं कैश से वो सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना होगा। सो ये सारे जो है सर्टिफिकेट्स थे एंड कैश ये 31 pages का जो है PDF है। सारे जो है इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड बहुत सारे जो है क्राइटेरियाज यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखिए ये जो है सिटीज एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, पुदुचेरी, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड बहुत सारे जो भी साउथ इंडियन सिटीज यहाँ पर दिए गए हैं। सो आप देख लीजिए आपका जो है होम टाउन एंड होम सिटी है कि नहीं, आपको चूज़ करना होगा नियरेस्ट जो है आपका सिटी कौन है एज योर एग्ज़ाम सेंटर। सो गाइस ये PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में। ये देखिए करेक्ट आंसर के लिए जो है आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग आंसर -1 मिलेंगे, फॉर रिव्यू एंड नॉट आंसर के लिए 0 रहेगा। यानी कि 100 क्वेश्चंस के लिए जो है आपको 400 मार्क्स दिए जाएंगे एंड एवरी रॉन्ग आंसर के लिए आपको -1 का दिया जाएगा। सो गाइस बहुत सारे जो है क्राइटेरियाज दिए गए हैं, लाइक सर्टिफिकेट्स कैसे होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड एवरीथिंग, यहाँ सब के लिए जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन दिए गए हैं। सो अप्लाई करने से पहले ये सारे नोटिफिकेशन पॉइंट टू पॉइंट जो है आप रीड कर लीजिए, उसके बाद जो है आप अप्लाई कीजिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए रिक्रूटमेंट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल में नर्सिंग के रिलेटेड आते रहते हैं। सो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, सो दैट नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल से पहुँचता रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं हूँ श्याम चौधरी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।